हेलो सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना कैसे जो है ना कटिंग करते हैं, तो सिलाई मशीन का जो ना कोई कटिंग का मास्टर हो तो उसका जो है ना सैलरी बहुत ज़्यादा मिलता है, 2500-3000 ऐसे मिलता है। तो जो रिटर्न बंदे हो तो उसको तो और ज़्यादा मिलता है, 3000-3500 से उतना मिल जाता है। और ये देख रहे हैं मशीन से आप सबको जो है ना ऐसे ही कटिंग करना है, देख रहे हो कितना आसानी से कट रहा है। और ये जो है ना मशीन का आवाज़ इतना ज़्यादा है कि समझ में नहीं आ रहा, तो ऑलरेडी आप सब देख रहे हो कि कैसे काट रहा है। तो ऐसा कटिंग मास्टर कोई है तो बताइए, यानी मशीन से काटने वाला कटिंग यानी ऑलराउंडर होना चाहिए, यानी काटने कटने का पूरा बेहतरीन मालूम होना चाहिए। कोई भी भाई हैं तो रास्ता करें हमसे, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मिल जाएगा। देख रहे हो कितना शॉर्टकट में दोनों काट रहे हैं बंदे, ऐसे ही काटना मशीन से। और मशीन का आवाज़ भी सुन रहे कितना ज़्यादा तूफान है, लेकिन माशाल्लाह क्या खूब काट रहे हैं। उसी बारे में देख रहे हो कितना अच्छा से काट रहे हैं। तो कोई कटिंग मास्टर हो तो वो जल्दी से रास्ता करें, उसका सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। कोई भी भाई जाना चाहते हो तो जल्दी से संपर्क करें, और सिलाई वाले भी हो तो भी रास्ता करें। ये कटिंग मास्टर कोई है तो रास्ता करें। देख रहे हो माशाल्लाह क्या खूबसूरत कटिंग करता है, इसी बार में पूरा साफ कर दे, पूरा साफ कर दे। तो कोई हो तो बताइएगा। तो और यहाँ पे कोई बिजनेस में आ रहे हो तो हम ये कहेंगे कि आप सब सोच समझ कर आइए, बाकी आप सबका मर्जी ठीक है, क्योंकि यहाँ का हालात जो है ना इतना सही भी नहीं है, इतना दिखाया जाता है मार्केट में। और ये जो है कटिंग मास्टर जो होता है ना अलाउंडर, उसका सैलरी वगैरह ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अलाउंडर हो गया ना तो उसके पास जो है ना यानी थोड़ा सा भी मिस बैलेंस हुआ ना तो फिर उसका जो है ना पगार काट लेता है। लाइव में ट्रेंड बनना है वो कम्प्लीट मालूम है। तो आज के लिए वक्त इतना ही, माशाल्लाह।